आज भांडेर अनुभाग के ग्राम सोफ्ता का एक मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित शिक्षक ने भांडेर एसटीओपी से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि यह जो शिक्षक है वो राष्ट्रपति सम्मानित शिक्षक है, जिनका नाम अमर सिंह राव दिनकर है। ये अपने गांव के कुछ लोगों से सताए जाने से दुखी है। देखिए क्या कहा पीड़ित राष्ट्रपति सम्मानित शिक्षक ने। भांडेर से कमल कृष्ण शर्मा की रिपोर्ट। एसटीओपी कार्यालय आप क्यों आए? एसडीओपी कार्यालय में इसलिए आया हूं कि 25 सितंबर की रात में अजयपाल मेरे गांव में ग्राम सुप्ता का, मेरा नाम अमर सिंह दिनकर है, तो जो हमारा पड़ोसी है लक्ष्मण और उसकी लड़का अजयपाल और उसका एक भतीजा सुदामा और कल्लू, ये हमें लगभग 2015 से परेशान कर रहे हैं, मारपीट भी कर देते हैं, इन पर मुकदमा दायर हो जाता है और ये फिर झूठे केस दायर कर देते हैं। अभी क्या है, इसने हमारे नाती आदर्श को मारा, उसको दारू के लिए पैसा मांगे अजयपाल वलवा ने कल्लू ने, तो उसने पैसा नहीं दिए तो उसको मारा, उसके सिर फूट गया। और फिर जो है हम लोग यहाँ थाने में आए तो उन्होंने झूठा केस है उलट करके हमारे नाती पे, और मैं एक राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शिक्षक है और हमारे 3 और 2 सदस्यों को और लिखा के झूठा कायमी करा दी है। उसकी जाँच के हेतु हमने SP दतिया को दी है और फिर यहाँ हमने SDOP कार्यालय में दी है, तो उसकी जांच है कि साहब हम पर झूठे मुकदमा दायर किए जाते हैं और जो है जो उल्ट अपराधी प्रवृत्ति के हैं इन और जो उल्ट के मारपीट कर देते हैं और फिर पैसा मांगते हैं, लाखों रुपया मांगते हैं राजीनामा के, तो इन्हें पूर्व से जो है कई बार जो है उन्होंने हमारे साथ में मारपीट की है और उसके मुकदमा इन पर दर्ज हुए। उन्होंने शपथ पत्र भी दिया था कि हम जो है भविष्य में नहीं ऐसा करेंगे, लेकिन बावजूद जो ये हमारे यहाँ हमारे साथ में करते ही रहते हैं, तो कम से कम ये 5-7 बार हमारे साथ में मारपीट और झूठे मुकदमा दायर करने के कर देते हैं और रुपया मांगते हैं। इसलिए हम जो है यहाँ पे, और हमारा जो अभिषेक है नाती है वो जो है BSc फाइनल में पढ़ रहा है और ये अनिकेत है, वो उसको फंसाने के लिए इन्होंने झूठे मुकदमा दायर करे हैं और मुझे, मैं एक प्रतिभा शिक्षक हूँ और मुझ पर भी के ताशें इन पे इनकी नौकरी में वो लगे, तो इस हिसाब से जो है फिर पैसा मांगते हैं। तो हमने निवेदन किया है कि हम पे जो मुकदमा दायर करा है वो झूठे और उसमें हमारा कोई उल्ट के इन्होंने हमारे बच्चे को मारा है और बाद में इन्होंने जो है हमारी ड्यूटी कायमी करा दी है, इसलिए हमारे जांच की जा रही है और हमें उससे मुक्त किया जा रहा है।